चलें। आज मैं आप लोगों से कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं ट्रैकिंग के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियोस बनाया करूंगा। तो कोरोना की वजह से तो ट्रैवलिंग वगैरह तो सब बंद हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ इक्विपमेंट शेयर किए जाएं जो आपको ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों से नाइट्स वगैरह शेयर करूंगा, जो आप हंटिंग नाइट्स भी आप कह सकते हैं और आप इनको सर्वाइवल नाइट्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूंगा ये बियर ग्रिल, आप जानते होंगे सब उसको, जो डिस्कवरी चैनल पर आता है। ये उस कंपनी का नाइफ है, ये बड़ा जबरदस्त नाइफ है, इसको गर्बर कहते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप जाते हैं किसी भी ट्रैकिंग, किसी ऐसे जहाँ पे आपने स्टे करना हो, तो ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट मेरा नाइफ है, ये सेकंड मेरा नाइफ है, स्विस नाइफ है। ठीक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी आपके काम आता है, कि आपने लकड़ी वगैरह काटनी हो या आपने कुछ खाना वगैरह के लिए कुछ भी काटना हो, तो ये मेरा सेकंड नाइफ है, स्विस नाइफ। ठीक है, ये यूटिलिटी नाइफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ज़रूरत है आपको कि आपके पास एक यूटिलिटी नाइफ लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसमें बोटल ओपनर होता है, इसमें आपका स्क्रू ड्राइवर होता है। स्क्रू ड्राइवर से मुझे याद आया, मैं एक दफ़ा गया हुआ था स्नो लेक पे। ठीक है, तो वहाँ पे मेरी नाइफ जो थी वो एक्स जो थी मेरी वो थोड़ी सी ढीली हो गई थी। तो आपके साथ जो पोर्टर होते हैं ना, जिनको आप कह सकते हैं कि जो आपको रास्ता वगैरह बताते हैं या जो आपका सामान वगैरह उठाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप कभी भी ना रहिएगा, उनके पास कुछ भी नहीं होता, जो कुछ होता है आपका अपना ही होता है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आपका सामान उठाना होता है और आपको खाना वगैरह बना कर देना होता है, लेकिन उनके पास अपना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ आपको खुद लेकर जाना पड़ता है। तो ये मेक श्योर कि आपके पास इक्विपमेंट पूरा हो, आपको इक्विपमेंट की वजह से कोई परेशानी ना आए रास्ते में। ठीक है, तो ये उस दिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ था कि अगर ये मेरा ना होता तो शायद बड़ा मसला हो जाता। तो इससे मैंने अपनी एक्स बिल्कुल टाइट कर ली थी और ज़बरदस्त सीन हो गया था। इसमें नाइफ वगैरह भी हैं, छोटी मोटी कुछ चीज़ें, फल वगैरह काटने के लिए बड़ा ज़बरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको अपना दिखाता हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप शिकार वगैरह करते हैं या इस तरह के काम के लिए भी बड़ा यूज़ होता है। तो ये जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है मेरा। ठीक है, ये भी एक यूटिलिटी नाइफ बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है ना आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें अलग से आ जाती हैं। तो ये भी स्विस नाइफ का है, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको कहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइकिंग करते हैं या आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये आप लोगों के पास बहुत ज़रूरी है कि ये एक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये आपका कांटा हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको ट्रैकिंग में बहुत ज़रूरी काम आ सकता है, कुछ भी खाना वगैरह हो, आप फ्रोजन फूड लेकर जाते हैं तो वो आप आराम से खा सकते हैं। ये बीच में चम्मच है एक, तो ये भी जो है ना खाने के काम आ सकती है। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट में बता सकूं, या अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन होगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना लूँगा कि ये चीज़ें आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये एक इसमें छुरी भी है। नेक्स्ट नाइफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ब्राउनिंग कंपनी का। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त नाइफ है, ये चेक करें, आप ये चेक करें, तो ये भी आपको काम आ जाता है। बहुत सारे रखे हुए हैं, क्योंकि शौक भी है और ट्रैवलिंग वगैरह भी करते रहते हैं, तो इस वजह से जो है ना बहुत सारे नाइफ रखे हुए हैं। ये एक और, ये भी एक ब्राउनिंग कंपनी का ही है, ये देखें आप, तो ये भी इसी काम आ जाता है। अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, कभी आप किसी भी ट्रैक पर जाते हैं और आपका दिल कर आता है कि यार हम लोगों ने बकरा ज़िबा करना है या दुम्बा करना है, तो उसके लिए आपको इन नाइफ से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक बड़ा नाइफ चाहिए होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम एक दफ़ा एक ट्रैक पर गए हुए थे, तो अब मुझे इंग्लिश में तो उसका नाम नहीं आता, बेलना जिसको बोलते हैं, जिससे आप रोटी छोटी जो है ना सीधी गोल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं तो आपको पता होगा कि बेलना किसको कहते हैं। तो
मैंने फिर अपने पोर्टर को ये वाला नाइफ दिया था अपना, ठीक है, उसने जाके एक जबरदस्त सी लकड़ी गोल सी बनाई थी और उससे जाके जो है ना उसने वो बेलना बना लिया था। दूसरा ये आपके उसके काम आ सकता है, दुम्बा वगैरह अगर आप करते हैं या बकरा वगैरह साथ लेकर जाते हैं तो ये आपका इजीली जो है ना वो उसको काट लेगा, कोई भी हड्डी वगैरह जो भी हो उसको इजीली काट लेगा। साथ इसके ये भी ये काम, ठीक है, तो ये साथ आप इसके ऊपर तेज कर सकते हैं इसको अगर आपका ये मसला कर जाता है तो। एक और इसी तरह मेरे पास नाइफ है, ये बुकर का है, छोटा सा नाइफ है, ये आप पॉकेट वगैरह में आराम से इजीली यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप ट्रैवलिंग वगैरह पे किसी छोटे मोटे ट्रैक पर जाते हैं तो ये रख लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको मैं बड़ा जबरदस्त, ये कोहिबा कंपनी का मेरे पास एक लेटर है, ठीक है, ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो। ये जो मेरा लेटर है, ठीक है, ये आ जाता है आपका, ये माइनस टेम्परेचर पे भी जो है ना इजीली चल जाता है, तो ये बहुत जबरदस्त है, ये बड़ा ही आसान सा है, ये देखें इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर पैक है, अगर आप लोगों को चाहिए हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। इन सब चीजों के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, वो है आपका ये जिसको आप चूल्हा कह सकते हैं, ठीक है, ये जब भी आप किसी ट्रैक पर जाते हैं आप लोगों को पास अगर लकड़ी वगैरह नहीं बना सकते तो ये एक आपको मिल जाता है, चूल्हा मिल जाता है। इसके साथ ये सिलेंडर बोले, ये तकरीबन 10 या 8 घंटे जो है ना चल जाता है आपका। तो मेरे पास 3 है, एक लगा हुआ है, ठीक है, 2 ये पड़े हुए हैं, तो ये भी अगर आप लोगों को चाहिए हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये कहाँ से मिल सकता है। एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास एक टॉर्च अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आप अगर किसी लंबे ट्रैक पर है जहाँ पे आपको रात को कैंपिंग वगैरह करनी है तो ये जो है ना एक टॉर्च आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास हेडलैम्प भी है, हेडलैम्प अगर आप परचेज कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके लिए आपके जो है ना हाथ बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आप कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि टॉर्च के लिए आपका एक हाथ जो है ना बिल्कुल बुक हो जाता है, तो आपने एक हाथ से ही पकड़ा हुआ होगा तो एक हाथ में कुछ स्टिक वगैरह होगी तो आप मसला हो जाएगा। इस वजह से आप अगर हेडलैम्प ले सकते हैं तो हेडलैम्प ले लें, मेरे पास पड़ा हुआ था लेकिन मुझे अभी मिल रही ना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में जो वीडियो बनाऊंगा तो उसके ऊपर मैं वो आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको 3-4 चीज और दिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मेरे पास स्टिक है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है, ये मैं मुशपुरी ट्रैक है मरी की साइड पे, ठीक है, तो वहां से ट्रैकिंग के दौरान ही ये मुझे जो है ना स्टिक मिली थी, तो मैंने वहां से उठा के ले आया था, ठीक है। एक ये स्टिक है, इससे वैसे तो ये ऑल सिटीजन के लिए है, वो यूज करते हैं, तो ये आपको मुशपुरी के ट्रैक पे जब आप लोग जा रहे होते हैं ना तो नीचे से आपको हमेशा यही मिलते हैं, वो अराउंड 100 से 200 रुपीज देते हैं रेंट आपसे, ठीक है, तो मैंने उनसे ये परचेज कर ली थी, तो ये भी बड़ी जबरदस्त है, आप छोटे मोटे ट्रैक पे जब जाते हैं तो आपके काम आ जाती है। बाकी 2 मैं आपको स्टिक्स दिखा देता हूँ, ये वाली हैं, ठीक है, ये आपको बहुत सपोर्ट करती हैं अगर आप किसी भी ऐसे ट्रैक, जैसे आपने कोई ग्लेशियर वगैरह क्रॉस करना है, कभी आप गए हो दूधीपत लेक है, उसमें 1-2 ग्लेशियर आते हैं तो वो आपने जब कभी क्रॉस करने हो तो ये आपके बड़ा काम आती है, आपको बड़ा हेल्प देती है, आपको स्लिप होने से बचाती है, तो ये भी आपके पास होने चाहिए अगर आप लोगों को परचेज करनी है। और आप लोगों को नहीं पता कि कहाँ से मिलनी चाहिए, कौन सी जगह बहुत अच्छी है जो बहुत अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगा कि कहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाइफ्स की प्राइस वगैरह में, तो मैं आपको इंडिविजुअली तो सबकी प्राइस नहीं बता सकता, लेकिन अराउंड 10,000 के करीब आपको ये जो है ना, मतलब 10,000 से कोई भी महंगा नाइफ नहीं है इनमें, ठीक है, तो आप लोगों को 10,000 के करीब करीब ये सारे आराम से मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को परचेज करना हो और आप लोगों को किसी भी नाइफ के बारे में पूछना हो कि ये कहाँ से लिया था, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा रिप्लाई करके या प्रॉपर वीडियो बना के सबकी अलग अलग प्राइजेस बता दूंगा, तो आप लोग जो है ना इजीली वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी, थैंक यू, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाजमी, और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।